राजसमंद की 12 साल की बच्ची के साथ उदयपुर में 5 दिन तक हुए गैंगरेप के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उदयपुर की सड़कों पर उतरी और मौन जुलूस निकाला। ये मौन जुलूस डेलीगेट होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां महिलाओं ने सड़क को घेर करके अपना विरोध दर्ज करवाया और गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया और मांग की कि गहलोत सरकार महिला को सुरक्षा देने में असफल रही है। इसी को लेकर उदयपुर कलेक्ट्री के बाहर मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। महिला मोर्चा ने यह बात भी कही कि 4 साल में गहलोत सरकार के आप कार्यप्रणाली को देखें, किस तरीके से महिलाओं पर हमेशा अत्याचार होता आ रहा है और ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। बहुत ही विषम परिस्थितियों का समय राजस्थान की महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए। निरंतर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व में माननीय जिलाध्यक्ष जी के सानिध्य में और माननीय MLA जी के सानिध्य में हम सब ने, क्योंकि हम रोज चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं सरकार से, रोज हम कहीं ना कहीं मोर्चा निकालते हैं, कुछ ना कुछ सरकार के लिए हम बात करना चाहते हैं कि हमारी बच्चियों की सुरक्षा करें, लेकिन हमारे महिला अत्याचार को लेकर वास्तव में बरस हो गए। 4 साल के अंदर इस सरकार का कुशासन को हमने देखा, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में क्या क्या अन्याय किया, पर फिर भी ये गहलोत सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और अभी हमारी एक राजसमंद की बच्ची के साथ में क्या हुआ उसके लिए भी अभी तक ये सरकार कोई ऐसा संज्ञान नहीं ले रही है जिससे वो अपराधियों के अंदर डर हो। ये अपराधी मस्त है और आम जनता दुखी है, इस सरकार को हम कैसे कर्मठ ऊर्जावान जिलाध्यक्ष रविंद्र शिवाली साहब, ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रतिनिधि मीणा साहब, प्रदेश की जुझारू अध्यक्षा बहन अलका जी, डॉक्टर अलका जी, पूर्व महापौर बहन रजनी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष किरण जी दाते, महिला मोर्चा के अध्यक्ष कविता जी जोशी और इतनी बड़ी विशाल संख्या में सभी महिला पदाधिकारीगण और नन्ही नन्ही मेरी बालिकाओं, आज जब से गहलोत सरकार सत्ता के अंदर आई है तब से कोई न कोई अखबार उठाकर देखे रोज का कोई न कोई घटना बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो जिन्होंने कार्य जो रेप किए जा रहे हैं, वास्तव में महिलाएं उनसे थक चुकी है, महिलाएं अपने को ठगा सा अनुभव कर रही। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में जो आए दिन दुखद घटनाक्रम पूरे राजस्थान भर में हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति, इसके विरुद्ध आज एक मौन मार्च यहाँ उदयपुर शहर में निकाला गया है। मौन मार्च में बहनों ने आक्रोशित होकर अपनी झंडियों द्वारा और कुछ पिक्चर्स द्वारा ये प्रदर्शन किया। बड़ी ही शर्म की बात है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि गृह मंत्री भी और उनके पास सारे ऐसे अधिकार हैं जिनका कि वो उपयोग करना ही शायद नहीं जानते, वो इस बारे में आंख मूंदे बैठे हुए। किसी भी सरकार की प्रथम कर्तव्य होता है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, लेकिन वो इससे बिल्कुल शायद कोसों दूर चले गए हैं। उनका अपना कुर्सी बचाओ अभियान और उनकी अपनी पार्टी के अंदर स्थिति वो खुद ही सही सहन नहीं कर पाते हैं, तो इस ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। वर्तमान मुद्दा 12 साल की एक बच्ची का जो राजसमंद की थी उदयपुर में आकर के जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और जो मामला आप जैसे चौथे स्तंभ ने ही हमें अवगत कराया, तो आप लोगों की सक्रियता से इस मामले को लेकर के आज हम सड़कों पे निकली हैं। पूरा प्रदेश का महिला मोर्चा, महिला शक्ति, विविध समाज सभी इस ओर से बड़े दुखद रूप में हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार या तो जाग जाए, नहीं तो अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। पूरे राजस्थान में जिस तरह से जन आक्रोश में महिलाओं का ज्वार उमड़ा है, पुरुषों के बराबर महिलाओं ने भागीदारी की है, वो इसी बात की द्योतक है कि इस सरकार के काले कारनामों से, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों से कोई संज्ञान नहीं लेना और संवेदनहीन होते जाना इस भक्ति शक्ति की नगरी में। तो ये
चीजें महिला मोर्चा पूरा उठा रहा है और सारी की सारी जनता जन आक्रोश के रूप में हमारे साथ है। महिला मोर्चा ने आज एक शुरुआत की है, उन्हें हम उनको चेता रहे हैं अगर त्वरित कार्रवाई और कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग सड़कों पे मुखर होके भी निकलेंगे और आंदोलन के रूप में भी निकलेंगे। यही मेरी दिल्ली में एक बीजेपी सांसद हैं जो कुश्ती दंगल के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ पहलवान धरने पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी दोषी हो, चाहे बीजेपी के किसी पद में पदाधिकारी हो, कहीं कोई उसका छोटा मोटा दायित्व भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी के अंदर 30% का आरक्षण सिर्फ एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने महिलाओं को दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी। तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, जो गलत है वो सबके सामने आएगा और किसी भी दोषी को भारतीय जनता पार्टी पार्टी के अंदर भी नहीं छोड़ती है और सरकार होती है तो वहाँ भी नहीं छोड़ती।